बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर मुनव्वर हुसैन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हमने एक पोस्टर डिजाइन किया था। पोस्टर बनाने के बाद हमने होर्डिंग बनाया, होर्डिंग के बाद फिर हमने बनाई उसकी स्टैंडी, स्टैंडी के बाद डैंगलर बनाया। ये चार चीजें हमारी कम्प्लीट हो गई। अब पांचवा आइटम जो है वो है बंटिंग। तो अब हम बंटिंग तैयार करेंगे। ये हमने फाइल ओपन कर ली और डैंगलर बनाया हुआ, तो हम इससे बंटिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ये देखिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, रिलीज क्लिपिंग मास्क। ये करने के बाद आपने कंट्रोल वाई मीन की लाइन, तो हमने ये वाली की लाइन जो है इसकी आउटलाइन वाली, इसको हमने कंट्रोल दोबारा फिर वाई किया, प्रीव्यू आ गया। लाइन स्ट्रोक के अंदर आपने कलर फिल कर देना है। इसके बाद हमने इसको यहाँ से काट देना है, तो हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपने दोनों को सिलेक्ट करके इसको शेप बिल्डर टूल में आकर इसको रिमूव कर दिया आपने, तो ये शेप आपके पास आ गई। जो इसके अंदर डॉटेड लाइन होती है वो बनानी है। ये डॉटेड लाइन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसने डाई कट होना है। जो डॉटेड लाइन होती है ना, तो वहां से आपकी उसकी आप डाई बनाते हैं, उसके बाद फिर इसकी कटिंग होती है, तो ये शेप आपकी प्रिंट होके आ जाती है। ऑब्जेक्ट में गए, पाथ ऑफसेट पाथ, ये बन गई इसकी। अब इसको ओके कर दें। अब ये देखें, इसकी अंदर वाली लाइन बन गई जो डॉटेड हमने करनी है। सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद आपने आ जाना है स्ट्रोक के अंदर। स्ट्रोक के अंदर आपने आकर इसको डैश लाइन कर देना है। ये देखें, ये आपकी डॉटेड लाइन बन गई। इसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन वाला टूल सेलेक्ट करके इसके ऊपर इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट तक हमने इसको रिमूव करना है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ये देखें, मैंने माउस क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने डिलीट को क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगी। फिर हमने इसका एंकर पॉइंट पकड़कर इस लाइन के साथ इसको मिला देना है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये वाली जो लाइन है आपकी जो सॉलिड लाइन है, अब हमने बैकग्राउंड इसके अंदर प्लेस करना है। तो बैकग्राउंड को हमने ले लिया सिलेक्शन टूल के साथ, वहां से मूव करके इधर ले आए, इसको थोड़ा सा उसके मुताबिक छोटा कर दिया। अब आपने सॉलिड लाइन सिलेक्ट करनी है सिलेक्शन टूल के साथ। उसके बाद आपने शिफ्ट दबाकर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये दोनों चीजें आपकी सिलेक्ट होगी। आप राइट क्लिक करके आपने मेक क्लिपिंग मास्क किया तो ये इसके अंदर प्लेस हो गई। अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर स्लोगन लगाना है, ये इसको इसके सेंटर में कर दें, हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसके सेंटर में आ गया। अब लोगो हमने यहाँ पर सेंटर में लेके आना है, इसको बड़ा कर देना है, ये कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, बेशक आप थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये हमारी एक बन गई। इसके बाद हमने दूसरी बनानी है, इसी को हमने सारे को सिलेक्ट किया, हार्ड प्रेस किया, मूव करके इधर डुप्लीकेट कर लिया। अब आपने लोगो रिमूव कर देना है, आपने प्रोडक्ट लेके आनी है, ये यहाँ पर लाकर इसको थोड़ा सिलेक्शन टूल के साथ आप बड़ा कर दें, ये भी तैयार हो गई। इसके बाद हम तीसरी इससे हम ये तस्वीर डिलीट कर देंगे, हम लेंगे अपना कैप्शन, इसको बड़ा कर देंगे। स्लोगन बेशक ऊपर कर दें इसके। तीसरी बन गया। अब हमने बनानी है चौथी। इसको रिमूव कर दिया। अब इसमें हमने जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो हमने प्लेस करनी है, वो इधर नहीं लगी हुई। हम फाइल में जाएंगे, प्लेस करने के बाद हमने
ये मैंने पैक टू के नाम से सेव की हुई है फाइल, तो पैक टू के नाम की फाइल ये पड़ी हुई है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो इधर आपने माउस क्लिक कर देना है, इसको शिफ्ट दबाकर छोटा करके इधर ले आना है, साइज के मुताबिक आपने इसको छोटा करना है शिफ्ट प्रेस करके। अब ये वाली जो लाइन है ब्लैक, ये डॉट लाइन, इसको आपने वाइट कर देना है। ये मैं एक ही दफ़ा इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हमने ये सारी जितनी चार बंटिंग में ये डॉट लाइन लगी हुई है, तो एक ही दफ़ा उसमें कलर चेंज हो जाएगा आपका। आपने एक को सिलेक्ट किया, ये देखें डॉटेड लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है सेलेक्ट में जाकर सेम फिल कलर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चारों लाइन जो है आपकी डॉटेड सेलेक्ट हो जाएंगी, इसके अंदर आपने वाइट कलर फिल कर देना है। ये हमारी बंटिंग चार तैयार हो गई। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये प्रिंट होने के बाद एक धागे में 8 बंटिंग लगती हैं, तो इसको आप ऐसे समझें, इसको कॉपी करके इधर लें तो ये आपकी इस तरह से रिपीट होंगी धागे के अंदर। जो हमारी बंटिंग प्रिंट होंगी वो 4 ही होंगी, तो इसमें मैं एक धागा डालता हूँ ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि ये बंटिंग है, इसमें धागा डाल। ये जो मैं धागा डाल, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, ये देखें पेन टूल के साथ आपने इसमें यूं करके यहाँ पर ले आए और इधर आके माउस शिफ्ट के साथ आपने क्लिक कर दिया, इसके अंदर ही कर दें बेटा, इधर माउस क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपने इसको यूं करके इसका धागा बना दिया। ठीक है, ये अभी इसके अंदर कलर फिल नहीं है, कलर फिल करेंगे आप, इसमें कलर वाइट है, अब इसके अंदर वाइट कलर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसलिए नज़र नहीं आ रहा तो आपने इसको ब्लैक कलर, इसके स्ट्रोक में ब्लैक कलर फिल कर देना। तो ये देखिए ये है डॉटेड लाइन, क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट की हुई थी डॉटेड लाइन, तो वो भी डॉटेड लाइन बन गई, लेकिन आपने इसको सॉलिड कर देना है स्ट्रोक के अंदर जाकर, स्ट्रोक में गए यहाँ पर डैश लाइन को क्लिक करना है तो ये स्ट्रोक में आ जाएगा, इसको कर दें पीछे कंट्रोल शिफ्ट बैक। तो ये देखिए अब इसका प्रीव्यू चेक करें तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने 4 बंटिंग बना दी। ओके, अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। बंद कर दे रिकॉर्डिंग।